ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू हिनास कुक बुक। तो आज हम बना रहे हैं एकदम हेल्दी और कम इंग्रेडिएंट में जल्दी बन जाने वाला सलाड, सीजर सलाड। ये सलाड बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वो है लेटस। बाजार में कई टाइप की लेटस मिलती है, इसमें से आइसबर्ग लेटस और रोमेन लेटस सलाड में ज़्यादा पड़ती है। तो आज हम ये सीजर सलाड सिर्फ रोमेन लेटस से बनाएंगे। ये सलाड बनाने के लिए पहले से हमें क्या तैयारी करके रखनी है वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें पहले ब्रेड के क्रूटन्स बनाने हैं और ड्रेसिंग बनाना है। तो सबसे पहले हम ब्रेड क्रूटन्स बना लेते हैं। इसके लिए हमने व्हीट ब्रेड लिया है, आप कोई भी ब्रेड या लॉफ ले सकते हो। ब्रेड स्लाइस को हम पहले स्क्वायर पीस में काट लेते हैं। यहाँ हम दो सर्विंग के लिए सलाड बना रहे हैं, तो हमने चार ब्रेड स्लाइस ली है। हमने यहाँ पे स्लाइस ब्रेड की बॉर्डर रखी है, अगर आप चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो। ये हमारे ब्रेड के सारे पीस रेडी हो गए, तो उसको हम ओवन की ट्रे में डाल देते हैं। अब इसको टोस्ट करने के लिए अब ऑलिव ऑयल और बारीक चॉप की हुई गार्लिक मिक्स करके इसके ऊपर हम डाल देंगे, और उसके ऊपर हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल के उसको अच्छे से हिला लेंगे। अगर आप चाहो तो पार्मेजान चीज़ ब्रेड क्रम्स बनाने के समय डाल सकते हो। ये सीजर सलाड में आप गार्लिक अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो। इसे हम प्रीहीट किए हुए ओवन में टोस्ट होने के लिए 15 मिनट के लिए लो टेम्परेचर पर रख देंगे। तो अभी हमारे क्रूटन्स रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हो ये क्रिस्पी और लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो इसको हम बाउल में निकाल देते हैं, और ये क्रम्स और गार्लिक जो अलग हुए हैं टोस्ट करते समय, उसको हम सलाड में यूज़ करेंगे। अभी हमारे ब्रेड क्रूटन्स रेडी हो गए, तो आगे हम सलाड का ड्रेसिंग बना लेते हैं। ड्रेसिंग बनाने के लिए एक बाउल में हम मेयोनीस 3 चम्मच डालते हैं। अब मार्केट में वेजिटेरियन मेयोनीस अच्छे से मिल जाता है, तो हमने यहाँ वेजिटेरियन मेयोनीस यूज़ किया है। इसमें हम थोड़ा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। नमक डालने में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मेयोनीस में भी नमक आता है और हमने ब्रेड के क्रूटन बनाने में भी नमक का यूज़ किया है। ड्राई पार्सली 1 चम्मच हाथ से मसल कर डालते हैं। अगर आप चाहो तो फ्रेश पार्सली भी डाल सकते हो। 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स ग्रेट करके डालेंगे, और लास्ट में पार्मेजान चीज़ थोड़ा डालेंगे। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच चिल्ड वाटर डाल के फॉक से अच्छे से मिला लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फ्लोइंग करनी है हमें। तो अभी हमारा ड्रेसिंग भी रेडी हो गया है। तो अब हम लास्ट लेटस के पत्ते को अच्छे से 2-3 पानी से धो के उसको अच्छे से ड्राई कर लेने हैं। अब इसको हम क्रूटन के साइज़ के स्क्वायर पीस में काट लेते हैं। तो अब हमारी लेटस काट के रेडी हो गए, तो फाइनली हम सलाड रेडी करते हैं। सलाड बनाने के लिए एक बड़े से बाउल में पहले लेटस के पत्ते डालते हैं, इसके ऊपर क्रूटन्स डालते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी पार्सली ड्राई हाथ से मसल के, और लास्ट में हमने जो ड्रेसिंग बनाया था वो डाल के अच्छे से उसको 2 फॉक्स की मदद से हिला लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा पार्मेजान चीज़ ग्रेट करके डालेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गए, तो हम सलाड सर्व करते हैं। तो अभी हमारा चीज़ी एंड टेस्टी सीजर सलाद रेडी हो गए। इसे हम पार्मेजान चीज़ और चेरी टमेटो से गार्निश करके सर्व करते हैं। ये आप कोई भी सूप या कबाब के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज सलाड की पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करना। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और नोटिफिकेशन भी अगली रेसिपी के लिए
जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।